नमो नमः वागर्थाभिः संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई, साहचार्य अहम वीर सनातन पूर्णेन्दुराय, विषय साहित्य कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड, पाठ्य शीर्षक अस्ति अद्य साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेद तः तृतीय परिच्छेद पर्यन्तस्य लघुत्तरीयाणि प्रश्नोत्तराणि संग्रह, दिनांक 12 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2078। साहित्य दर्पण से रचयिता कः? आचार्यो विश्वनाथः। आचार्य विश्वनाथ समय कः? 1300 ख्रीष्टाब्दतः 1380 ख्रीष्टाब्दस्य मध्ये। साहित्य दर्पण ग्रंथ अध्यायेषु विभक्तः, परिच्छेदेषु 10 परिच्छेदाः सन्ति। साहित्य दर्पण व्यतिरिक्ता के सप्त ग्रंथाः सन्ति आचार्यस्य विश्वनाथस्य। तो प्रथमम् अस्ति राघव विलास काव्यम्, कुवलयाश्व चरितम्, प्रभावती परिणय नाटिका, चतुर्थम् प्रशस्ति नाट्य रत्नावली, पंचमम् अस्ति चंद्रकला नाटिका, षष्ठम् नरसिंह विजय काव्यम्, सप्तमम् काव्य प्रकाश दर्पणाभिधा काव्य प्रकाशस्य व्याख्या च। पंचम प्रश्न संख्या, साहित्य दर्पण से प्रथम परिच्छेद से किं नाम? काव्य स्वरूप निरूपणम प्रथम परिच्छेद से नाम अस्ति। काव्य से किं प्रयोजन महा चारियो विश्वनाथ, चतुर वर्ग फल प्राप्ति सुख सुख सुखा दल्प विधायामपि काव्य देवा। काव्य से किं प्रयोजन महाचार्यो विश्वनाथ उक्तवान, चतुर वर्ग फल प्राप्ति सुखा दल्प विधायामपि काव्य देवा। प्रश्न संख्या 7, काव्य तो धर्म प्राप्ति कथम भवति? तो भगवन नारायण चरणारविंदस्त वादिना ही भवति काव्य तो धर्म प्राप्ति। प्रश्न संख्या 8, काव्य अर्थ प्राप्तो किं प्रमाणम्? अर्थ की प्राप्ति का क्या प्रमाण है छात्रों? तो कहते हैं काव्यम विरच्य धावकादिकाः कवयः श्रीहर्षादर्थ प्रगतिं चक्रुरेव। प्रश्न संख्या 9, अग्निपुराणे केन वाक्येन काव्यस्योदपादेयता प्रतिपादितम्? नरत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति वाक्येन। प्रश्न संख्या 10, विष्णु पुराणे केन प्रकारेण काव्यस्योपादेयता प्रतिपादिता? काव्यालापाश्च ये केचिद् गीतकान्यखिलाणि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंसाः महात्मनाः। मम्मटाचार्यः काव्यस्य किं लक्षणमाह? तदोष शब्दार्थ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद करेंगे। नैकारोह्यमेव वेदरस्य इत्यादि श्लोके किम प्रकार कह काव्य दोषो विद्यते? विधेय विमर्शाख्यो दोषः, विधेय विमर्श दोष, विधेय विमर्श दोष दुष्टस्मिन् वाक्ये काव्यत्वस्य क्रियते न वा? व्यंगम प्रधानत्वादस्य पदस्य ध्वनिना मुत्तमं काव्यत्वमेवाङ्गीकृतम्। प्रश्न संख्या 14, श्रुति कटुत्वादि दोष, श्रुति कटु कटुत्वादि दोष दुष्टेष्वपि पद्येषु काव्यत्वं कदा स्वीक्रियते? यत्र रसाद्युगमः स्फुटः भवति तदा स्वीक्रियते। उत्तरम् अस्ति यत्र रसाद्युगमः स्फुटः। प्रश्न संख्या 15, अनलंकृति पुनः क्वापि इति शब्दार्थयो विशेषणेन काव्य प्रकाशकारस्य को अभिप्रायः? तो अभिप्राय क्या है छात्रों? कहते सर्वत्र सालंकारयो क्वचित् अस्फुटालंकार वीर हित योरपि शब्दार्थयो नः काव्यत्वहानि इति।
प्रश्न संख्या 16, 16 यह कौमार हरह सह एव ही वरह इत्यादि वाक्य विभावना विशेषोक्ति कथम स्फुटौ यत्र हेतुम विदा अपि कार्यम भवति तत्र विभावना नामको अलंकारः यः कौमार हरः इत्यादो पद्ये उत्कंठायाः किमपि कारणं नास्ति तथापि उत्कंठा जायते अत एव विभावना नामको अलंकारः अलंकारः यत्र कारण सत्वे अपि कार्यं नहि जायते तत्र भवति विशेषोक्ति नामको अलंकारः विशेषोक्ति नामको अलंकारः यः कौमारहरा इत्यादि पद्ये अनुत्कंठायाः सर्वाणि कारणानि संतप्तपथापि अनुत्कंठा नाहि जायते अतेवात्र विशेषोक्ति नामको अलंकारः अत्र कोऽपि अलंकारो नहि स्फुटः अत एवात्रावि विभावना विशेषोक्ति अस्फुटौ स्तः प्रश्न संख्या 17 भोजराजेन किमुक्तम काव्य लक्षणम भोजराज ने क्या बताया काव्य का लक्षण आदोषम गुणवत् काव्यमलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति अष्टादश भोजराजोक्तम काव्य लक्षणम केन प्रकारेण खंडितवान विश्वनाथा विश्वनाथेनाभीतम यत दोषरहितस्यैव काव्यत्वे काव्यं निर्विषयं प्रविरल विषयं वास्यात् न च इखद दोष पर अदोष भीति पदम इखद दोष युक्तमीति वाच्यं तथा सति निर्दोषस्य काव्यत्वं न स्यात् विश्वनाथस्य काव्य लक्षणं किं तवाक्यं रसात्मकं काव्यम् इसको एकदम याद कर लेंगे वाक्यम रसात्मकम काव्यमिति रसात्मा सार रूपतया जीवन धायकम तत्त्वम यस्य तथा विधम वाक्यमेव काव्यमित्याह विधीयते प्रश्न संख्या 20 वाक्यम रसात्मकम काव्यमित्यत्र रसपदेन किम विधीयते काच रसपदस्य व्युत्पत्तिः तो रसपदस्य व्युत्पत्तिः अस्ति रसस्य रस्यते आस्वाद्यते इति रसः इति वितपत्याः रसभाव तदा भाषा भावदा तदा भाषादयोपि गृह्यन्ते द्वितीय परिच्छेदस्य प्रश्नाः आचार्यो विश्वनाथ वाक्यस्य किमाह लक्षणम् वाक्यम् स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चारः इति वाक्यस्य लक्षण महाचार्यो विश्वनाथः उक्तवान् पदोच्चयः योग्यता का पदार्थानां परस्पर संबंधे वाधा भावो योग्यता कहते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं आकांक्षा योग्यता आसक्ति सन्निधि के मिलने के बाद वाक्य की रचना होती है कहते हैं पदोच्चय है योग्यता का तो पदार्थानां परस्पर संबंधे वाधा भावो योग्यता वहनिना सिंचन्ति आग से सिंचन करना वाक्य योग्यता कथम नास्ति कथम नास्ति वहने सेचनं कारणतायाः अभावात् योग्यतायाः अभावः तेन कारणेन वह अयोग्यता अस्ति प्रश्न संख्या 24 का नाम आकांक्षा एक पदार्थस्य पर पदार्थेन सह अन्यवापेक्षा आकांक्षा सच सोतुर जिज्ञासाः रूपा का नाम पदोच्चयस्य आसक्ति यस्य पदार्थस्य येन पदार्थेन सह संबंधापेक्षया तेन सह तस्यावधाननेन स्थिति आसक्तिः जाति शब्दः कीदृशः गोपिण्डादिषु गोत्वादिका जातिः को नाम गुणः विशेषधानहेतुर्गुणः सिद्धुर्वस्तुधर्मः का नाम क्रिया क्रियासाध्यरूपा वस्तुधर्मा प्रकारादयः पूर्वा परिभतो आदि श्रयान्नान्तादि पूर्वा परिभूतो व्यापार लाप पाकादि शब्दवाच्यः इसे क्रिया कहते हैं साहित्यिकः पुत्रं संकेतं गृह्णन्ति जातो या व्यक्तो च
जातौ न तु व्यक्तौ तथा चोक्तम विश्वनाथेन संकेतो गृह्यते जातौ इति। आचार्य विश्वनाथ किमाह लक्षणम लक्षणायाः मुख्यार्थवादे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढे प्रयोजन द्वासौ लक्षण शक्तिरर्पिता इति। ऐसा विश्वनाथ लक्षण लक्षणा का लक्षण करते हैं। तथे मुख्यार्थवादे केन हेतुना भवति तात्पर्य अनुपत्या हेतुर्भवति। मुख्यार्थवादे अन्वयानुपत्ते कारणत्व स्वीकारो कुत्र दोषः काकृभ्यो दधि रक्षताम इत्यादो वाक्य से स्पष्ट होता है। प्रश्न संख्या 33 गंगायाम घोषः इत्यादो रूढ़ी कारणम अथवा प्रयोजनम। तो प्रयोजनम सत्य पावनत्वादिस्ते बोधनस्त रूपम कलिंगः सासिकः किं प्रयोजनम कलिंगः सासिकः किं प्रयोजनम ते रूढ़ी प्रयोजनम इति। स्त्री शेष भाग जो है हम लोग कल के क्लास में पूरा करेंगे। तृतीय परिच्छेद और द्वितीय परिच्छेद का शेष भाग का प्रश्न संग्रह। इतोपि नमो नमः पुनर्मिलामः। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप लोग कोरोना से सुरक्षित रहें। आज से 12 तारीख से आप लोग की उपस्थिति 50% महाविद्यालय में होगी और विभिन्न शंका समाधान आज हम लोग कक्षा में करेंगे। और आप लोग स्वास्थ्य की सुरक्षा करते रहें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। नमो नमः।